दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तुषार बब्बर। स्वागत करता हूं आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों महिंद्रा अपनी नई 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV400 भारत में लॉन्च करेगा, जिसका सीधा सीधा मुकाबला हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस और टाटा की हैरियर के साथ होगा। महिंद्रा XUV500 और XUV300 के बाद अब महिंद्रा ने अपनी 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV400 को उतारने का सोचा है, जिसका एक शोरूम प्राइस होगा 9.5 लाख से 14 लाख तक के बीच में। कई बार टेस्टिंग के दौरान महिंद्रा की नई XUV400 भी दिखाई दी गई है, जिसमें आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों ही महिंद्रा ने टेस्ट किए गए हैं। अगर हम इस गाड़ी के लुक्स की बात करें तो इसमें आपको सेम XUV300 वाले लुक्स मिलेंगे, बस उसको थोड़ा लंबा कर दिया गया है। इसमें आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद डे टैंक रनिंग LEDs के साथ मिलेगा, जो कि सेम XUV300 में आते हैं, और बीच में क्रोम की ग्रिल आपको दिखाई दी जाएगी। अगर हम इस गाड़ी के साइड से बात करें तो इसका साइड का लुक भी XUV300 जैसा ही है, बस गाड़ी को थोड़ा लंबा कर दिया गया है, यानी कि इस गाड़ी का व्हील बेस थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि गाड़ी और ज़्यादा बड़ी दिखे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा की नई XUV400 को S201 के कोड नेम से भी जाना गया है, यानी कि बाहर के देशों में इस गाड़ी को S201 के कोड से भी जाना जाता है, और इंडिया में इस गाड़ी का नाम XUV400 होने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, XUV500 और XUV300 के बाद अब महिंद्रा की नई XUV400 कैसी रहेगी, ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन मिलेगा। इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 130 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा, और वहीं पर आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल होगा, 163 BHP प्रोड्यूस करेगा। वहीं आपको डीजल इंजन आपको भी 1.5 लीटर का ही मिलेगा, जो 110 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा। अगर इसका ये टर्बो पेट्रोल इंजन आता है तो ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। दोस्तों ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इसके 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक यानी कि 6 स्पीड DSG गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों महिंद्रा की नई XUV400 की डायमेंशन XUV300 से ज़्यादा होगी, यानी कि इस गाड़ी का व्हील बेस और लेंथ गाड़ी की बढ़ा दी गई है, जिससे कि गाड़ी थोड़ी बोल्ड और बड़ी दिखे। अगर हम इस गाड़ी की इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको सेम XUV300 वाला इंटीरियर मिलेगा, जो कि बेटर स्पेसिंग के साथ आएगा, यानी कि इस गाड़ी का हेडरूम और लेग रूम में आपको बड़ा वो मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ बढ़ा दी गई है। इसमें आपको 7 एयरबैग्स टॉप मॉडल में मिलेंगे और 2 एयरबैग आपको बेस मॉडल में मिलेंगे। इसमें आपको 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ इसमें नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। कार में स्पेसिंग की कोई कमी नहीं है दोस्तों। इसमें आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल मिलेगा, यानी कि लेफ्ट पैसेंजर अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है और राइट पैसेंजर आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है। दोस्तों इसमें आपको 10 इंच का MID डिस्प्ले भी मिलेगा, जो कि फुली डिजिटल होगा, जो कि टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स शो करेगा। दोस्तों साथ ही साथ इस गाड़ी का सस्पेंशन भी सॉफ्ट साइड में रखा गया है, यानी कि इस गाड़ी को तेज स्पीड में आपको गाड़ी में झटके लेंगे, लेकिन स्लो स्पीड में आपको गाड़ी में बम्प्स एंड पोटोल्स महसूस नहीं होंगे। इसमें आपको हीटेड ORVM का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जो कि सर्दियों में बहुत काम का है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 7 एयरबैग्स, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, एम्बिएंट लाइट जैसे नए नए फीचर्स इसमें मिलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको 7 एयरबैग, हाई टेंसाइल स्टील बॉडी, 360 डिग्री कैमरा, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑल डिस्क ब्रेक जैसे नए नए सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। अगर हम इसके एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो इसके एक्सटीरियर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद डे टैंक रनिंग LEDs, फॉग लैम्प, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, फ्रंट एंड रियर स्किप प्लेट्स, ऑल डिस्क ब्रेक, रियर स्पॉइलर जैसे शानदार फीचर मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल सकता है। दोस्तों तो दोस्तों आपको क्या लगता है, महिंद्रा की नई XUV400 कामयाब होगी या नहीं होगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो जो चैनल पे नए हैं जाके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आए।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों और शेयर भी करना। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में दोस्तों।